हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुणा गौतम। मैं हूं अरुणा और आज मैं बनाने वाली हूं गाजर की बर्फी, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, फुल क्रीम दूध है ये, और इसको हम थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। उसके बाद इसमें मैं 1 किलो गाजर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने गाजर को ग्रेट करके रखा है। दूध हमारा थोड़ा सा बॉयल होने लगा है और हमने इसमें गाजर डाल दिया है, और अब इसको हम अच्छे से ढककर पकाएंगे करीबन 25 से 30 मिनट, जब तक कि दूध एकदम सूख ना जाए। और देखिए दूध अभी भी सूखा नहीं है, अभी 10-15 मिनट और लगेंगे इसको अच्छे से सूखते हुए सूखने के लिए। बार बार बीच में चलाते रहिए ताकि गाजर कहीं नीचे ना लग जाए। हमारी गाजर पक रही है, हम दूसरे पैन में जो खोया है उसको अच्छे से गरम कर लेते हैं, उसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप खोया लिया है और इसे अच्छे से भूनते हुए पका लेंगे। तो इस तरीके से अनअटेंडेड ना छोड़े खोए को, वरना वो नीचे से चिपक जाएगा, पैन से जल सकता है। और अब मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। तो अच्छे से ये पक गया है हमारा खोया, और इसको अब साइड में उतार के रख लेंगे हम। और दूसरी साइड जो दूध है वो भी हल्का हल्का रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में दूध रिड्यूस हो चुका है, और मैंने 1/2 कप ड्राई फ्रूट्स जो है वो क्रश करके रखे हैं। ये बादाम, पिस्ता और कैशू है, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ। टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है इलायची पाउडर से। और इसमें मैं 1/4 चम्मच नटमेग पाउडर यानी जायफल का पाउडर भी डाल रही हूँ। तो इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर मैं अमूल की मिठाई मेट का यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने 1 कप के करीब मिठाई मेट इसमें डाल दिया है। मैं शुगर इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से चला लेंगे, और जब तक ये दूध इसका सूख ना जाए हम इसे और पका लेंगे। और अभी ऑलमोस्ट सूख गया है, तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। और ये दूध जो है काफ़ी हद तक सूख चुका है अभी। और ये मैंने एक स्क्वायर डिश है, उसको ग्रीस कर लूँगी मैं घी के साथ अच्छे तरीके से। और जो गाजर का मिक्सचर रेडी हो गया है उसको मैं इस पर स्प्रेड कर दूँगी। बर्फ़ी का शेप देने के लिए मैंने ये स्क्वायर डिश ली है, और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और जो खोया हमने बनाया था उसको भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, एक लेयर दे देंगे खोए की भी अच्छे तरीके से। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे, इसके बाद हम वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे तरीके से। और इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर, उसके बाद इसके पीसेस कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर मैंने बचा लिया है, तो इसके हम लड्डू बनाएंगे। और ये खोए को मैंने एक राउंड बॉल का शेप दिया है, और जो गाजर का मिक्सचर है उसको फ्लैटन करके उसके अंदर ये बाउल भर के राउंड शेप दे दिया है, ये देखिए इस तरीके से। और ये हमारे गाजर के लड्डू भी बन गए हैं, और थोड़ा सा पिस्ता से इनको डेकोरेट कर दिया है। सेम वही मिक्सचर से गाजर का हलवा भी रेडी है, जो थोड़ा खोया बच गया था वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए हमारी बर्फ़ी भी एकदम रेडी हो गई है, मैंने इसको पीसीस में काट लिया है। तो इस गाजर से हमने हलवा, लड्डू और बर्फ़ी बनाई और हलवा बना लिया है। तो देखिए एक ही मिक्सचर से कितनी सारी चीज़ें बन गई हैं। तो गाइज़ आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।